तो भाई अभी दांत का तो पहले ठीक नहीं हुआ था, उससे पहले सर भी टूट गया। अभी ये सर का नजर काम आ रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर बम बना हुआ, मतलब अंदर से प्रॉपर फील भी हो रहा है। तो डेंटल की अपडेट ये थी कि लास्ट वीक हमने सुंदर ने उधर से जाके स्लिप निकलवा ली थी, लेकिन वो गलत जगह की आ गई थी जिधर की हमने बनवानी थी, डिफरेंट ब्रांच की, डिफरेंट ब्रांच की। तो उसको हमें एक हफ्ता लग गया, मतलब खुद भी थोड़े सुस्ती थे, उसको ठीक करते करते एक हफ्ता लग गया दूसरी ब्रांच का करने का। उसका अभी 11 अगस्त की हमें टाइम मिला, तो उस वक्त मैं जाके उसमें करवाऊंगा। और अच्छा, ये सर जो टूटा है इसका सीन ये है कि नीचे नीचे चिप्स गिरा हुआ था, उसको मैं उठा रहा था, तो उतने में दरवाज़ा जो आगे था, दरवाजे के साथ में खड़ा हुआ था, दरवाज़ा लग के दरवाज़ा वापस आया और मैं नीचे, मतलब दरवाजा वापस, मैं नीचे और सर मेरा वो अनफॉर्चुनेटली उधर लगा, डोर नॉक के अंदर बीच में घुस गया और प्रॉपर टिक का निशान निशान बन गया ऊपर के, मतलब मैं ठीक दुरुस्त बंदा हूँ, हैरी पॉटर स्टाइल। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, हैरी पॉटर बन गया हूँ अब। ये छोटी मोटी चोटें वगैरह जो हैं ये तो साथ से चलती रहती हैं, क्यों शेख साहब? ज्यादा दुख की बात ये है कि अब मैं जिम जाना शुरू कर दी, दुख की बात ये नहीं, दुख की बात वो है जो अब बताने लगा हूँ कि मेरा प्रोटीन शेक ये जो पड़ा हुआ है इसमें खाली लास्ट स्कूप रह गया है, और इसको लेना जो जिम जाते हैं उन्हें पता होगा कि ये जरूरी भी कितना है और इसका खर्चा भी कितना ज्यादा है। क्या ख्याल है शेख साहब? आज मैंने किया ऑनलाइन, तुसी लेके देने पियो मेनू? नहीं, मैंने पहले सोचा था, फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च की, मैंने नहीं लेके देना। कितने का था ऑनलाइन? 8 का भी थे कहीं पे, 8.5 के भी थे। अच्छा, जो ऑनलाइन मिल रहे हैं ना 8-8.5 हज़ार वाले, जो वो जो ब्रांड मिल रहा है उसका मतलब ये है कि मुझे टेस्ट इतना कोई खास मजे का नहीं लगता। ट्राई किया वो वाला? मैंने ट्राई किया हुआ है। और जो मार्केट में मिलता है वो तकरीबन 10-10.5 हज़ार वाला होता है, तो लेकिन वो 10-10.5 हज़ार का भी तब था कोविड के शुरू शुरू में, उसके बाद डॉलर भी इतना हाई कर गया। तो अब चलते हैं इस्लामाबाद और साथ में उसकी प्राइस भी चेक करते हैं। तो शेख साहब तुसी अगर मेनू एक आखिरी ग्लास बना दियो ना तो फिर थोड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी। ओ तनु शेक बनानी है ना, लै पुत्र चल तेनू सिखाइए फिर, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। शेख साहब शेक बनाना इन्ना मुश्किल काम कोई नहीं है, तुसी करना की है? Yes, you have to do that same. तुमने पानी इसमें डालना है और उसके बाद डालो हाफ ग्लास, और हाफ ग्लास के बाद एक स्कूप उसमें से इसमें डाल देना है, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बिल्कुल थोड़ा सा, बस बस इसको, और इसके अंदर जो होता है ब्लेंडर ऑलरेडी होता है तो उसको करके एकदम करें, तो साथ ही मज़ेदार शेक तैयार। Yes, one full scoop. वे प्रोटीन का आखिरी स्कूप सुंदर से बनवाता, और वे प्रोटीन के नए डब्बे की खोज में मार्केट जाता, मैं हूँ शेख और यह है मेरा व्लॉग। तो अभी सुंदर जो हम वे प्रोटीन लेने जा रहे हैं, लेने देखने जो भी जा रहे हैं, तो तुम्हें पता है वे क्या होता है? क्या होता है वे? ये वो वाला वे नहीं, ये WHEY वाला वे है। अच्छा, वे प्रोटीन होता ये है कि जब भैंस का दूध निकलता है ना, तो उसके अंदर से जो फैक्ट्रीज होती हैं ये वो प्रोटीन शेक वाली जो होती हैं वो करती ये हैं कि दूध अलहदा हो जाता है उसमें और वे अलहदा हो जाता है। तो मतलब ये कोई वो स्टीरॉयड वगैरह टाइप कोई चीज़ नहीं होती है, किसी को लगे कि स्टीरॉयड लेने जा रहे हैं। और इसमें आते भी ये, मतलब ये जो हम लेते हैं ना ये यूजली होता है पोस्ट वर्कआउट, तो इसमें फिर वो प्री वर्कआउट भी होता है, इंटर वर्कआउट भी होता है, लेकिन वो अगर सारी चीज़ें लें तो ये तो महीने का तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो इतना खर्चा तो हमने करना नहीं, हम तो अपने 8-9 हज़ार रुपये वाले में ही खुश हैं जो महीना डेढ़ महीना चल जाता है। तो अभी बस जा रहे हैं F7 हम, तो पोस्ट वर्कआउट वाला लोग है? हाँ, पर आपने अपनी प्रोटीन की इंटेक पूरी करनी होती है, ज़रूरी नहीं होता मतलब बॉडी बनाने के लिए अगर आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब आप अंडे खा के भी या चिकन खा के भी अपनी प्रोटीन दिन की पूरी कर सकते हैं। मतलब हाँ जैसे मैं, हाँ जिस तरह तो मेरे तो मोटी नहीं होती ना, मतलब लेकिन उसका मसला ही होता है, मतलब आप एक प्रोटीन शेक पिए ना तो मज़े का चॉकलेट का होता है, लेकिन एक जो शेक होता है उसके अंदर तकरीबन होता है 24 ग्राम प्रोटीन होती है, 24 ग्राम्स, और उसके बदले अगर आप अंडे खाएं तो आपको 4 अंडे खाने होते हैं। तो खा सकती हो 4 अंडे एक टाइम पे? एक अंडा तो नहीं खा सकते ना, तो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, मतलब उसके हिसाब से मतलब शेक बेस्ट होता है। ये वाला जो कह रही है, और ये आईएसएच दोनों अच्छे हैं।
तो इसकी क्या प्राइस है? इसकी 14,950। ये कौन सा है? 4 pound का? जी, 4.5 pound। और ये डायमेटाइज का जो होता है वो 17,000 का है। बड़े महंगे हो गए। अच्छा, उधर से तो हम दुकान से साथ ही निकल आए हैं और सुंदर ने साथ में आइसक्रीम ले लिए। वे प्रोटीन की प्राइसेस देख के तो मतलब अंडे ही खा ले। अंडे ही ज़्यादा बेहतर है, मतलब इतने ज़्यादा उसके अंडे आ जाएंगे या तो फिर आप करना पड़ेगा कि दूसरा जो ऑनलाइन देखा हुआ है थोड़ा टेस्ट को साइड पे करके, क्योंकि जो पहले 9,500 का था वो तकरीबन हो गया 14,000 का और जो मैं 12,000 वाला लेता था वो तकरीबन 17,000 का हो गया। तो इसमें अब फिर से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या तो कोई सब्स्टिट्यूट चिकन खाया जाए या ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, आउट ऑफ बजट। यस, क्या ख्याल है फिर यहाँ पर बर्थडे का वेट किया जाए तो शायद वो तो फिर एक दफ़ा लेने का एक दफ़ा पीने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होना। नहीं तो एक साल तो चलेगा, फिर अगली बर्थडे पर अगला मिल जाए। एक एक दफ़ा साल में भी आ जाए। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं जिनस ऊपर वाली जगह पे। एक टाइम पे जिनस ऊपर वाली भी जगह बहुत ही ज़बरदस्त होती थी, मतलब हम सारी शॉपिंग वगैरह अपनी इसी जगह से आके करते थे और इधर बीच में वो जो है सेंटर, इधर हमेशा आके कुछ खाया भी करते थे। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, F7 गोल मार्केट, इधर आके खाते थे। और इधर एक इल्यूजन्स दुकान होती थी जिधर से हम हमेशा आके लेते थे। चलो आओ चलें, तो इसको वे प्रोटीन को गाड़ी में बैठ के और डिस्कस करते हैं कि लिया जाए या ना लिया जाए और इज़ इट वर्थ द बॉडी और नॉट। क्या ख्याल है? चलो, पहले जो होता था इधर जिनस ऊपर में अपना ही चार्म होता था, मतलब हम सारे शॉपिंग वगैरह इधर से ही करने आते थे, मतलब जो भी लेना हो, क्योंकि एक ही मार्केट होती थी। लेकिन जब से अब ये मॉल्स वगैरह इधर सारे सेंटोरस वगैरह सफ़ा मॉल टाइप बन गया ना, तब से इस जगहों पे आने का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और दुकानें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर ब्रांड्स बनते जा रहे हैं। मतलब पहले आम जिस तरह दुकानें होती थी लोकल शॉप्स, अब आहिस्ता आहिस्ता सारी हर जगह पे ब्रांड्स होते जा रहे हैं। और सुंदर सब गाड़ी में वेट कर रही है और अब चलते हैं। सुंदर, इसका एक और तरीका हो सकता है कि अगर बाहर से कोई दोस्त शोस्त आए ना तो मैं उसे मंगवा सकता हूँ, क्योंकि अगर इधर 17,000 की जो चीज़ है ना बाहर से मिल जाती है तकरीबन 8,000 से 9,000 की, क्योंकि इधर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होती हैं और असल में शॉर्ट आइटम थोड़ी सी नीश मार्केट ठीक है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़ी हाई होती है क्योंकि हर कोई नहीं ले रहा होता ये चीज़ें। लॉकडाउन में तो कोई आ भी नहीं रहा। यार हाँ, सही बात है। साउथ आया था लंदन से, उसी से मंगवा लेना चाहिए था, लेकिन क्या पता था कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी। तो इस नोट पे मेरे ख्याल से इसको ड्रॉप कर दिया जाए, प्रोटीन पाउडर को दिल पे पत्थर भी रख लिया और इसको ड्रॉप कर दें और नेक्स्ट मंथ देख लेंगे इंशाल्लाह। यस, नेक्स्ट मंथ बजट हुआ तो उस वक्त जाके ये ले लेंगे। और अभी के लिए इस व्लॉग को करते हैं एंड, और अगर आपको अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय, आप कर दो।